सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो एबीपी सांझा। मैं हाँ हरपिंदर सिंह। अज एक बार फिर तो कांग्रेस देश भर के प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि सोनिया गांधी नूं ईडी दे वल्लों समन जारी किए गए ने। समन जारी करन तो बाद कांग्रेस सेंटर गौरमेंट के खिलाफ उतरी है सड़कों के उत्ते। तो पिछले दिन भी जाने कि 21 जुलाई में भी कांग्रेस के वल्लों प्रदर्शन किए गए थे पूरे देश भर के, क्योंकि उस दिन भी ईडी के वल्लों सोनिया गांधी तो पूछगिछ की गई थी। नैशनल हैराल्ड मामले के सोनिया गांधी तो जिहड़ी है पुछगिछ ईडी दे वल्लों कीती जा रही है। तो अज दूसरा दिन है, तो अज भी एक बार फिर तो कांग्रेस देश भर दे विच प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त असी चंडीगढ़ दे विच मौजूद हाँ, जिथे पंजाब कांग्रेस भवन दे विच एक बार फिर तो कांग्रेसी लीडर पंजाब कांग्रेस दे इकट्ठे हुए ने। तो अज एक बार फिर तो प्रदर्शन किया जाएगा। तुहानूं तस्वीरां भी थोड़ियां दिखा दिंदे हां कि जिहड़ा देश भर दे विच प्रदर्शन अज वल्लों किए जाने ने। अज जिहड़ा पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी दे वल्लों सत्याग्रह किया जाना है, तो राहुल गांधी दे स्मारक दे उत्ते अज उत्थे तक प्रदर्शन किया जाएगा कांग्रेस दे वल्लों। ते नाल ही कांग्रेस दे वल्लों इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी तानाशाही रवैया अपना रही है, जिस तरह के नाल एजेंसियों का दुरउपयोग किया जा रहा है। इस नूं लैके अज पूरे देश भर दे विच कांग्रेस दे वल्लों प्रदर्शन किए जा रहे जाने ने। ते तुसीं देख सकते हो कि हुण इत्थे कांग्रेस दी जिहड़े वर्कर ने लीडर ने वो इत्थे पहुँच चुके ने, तख्तियां लैके इत्थे पहुँचे हुए ने। कांग्रेस पार्टी मोदी की धक्केशाही तो नहीं डरेगी, अजिहियां तख्तियां दे नाल लैके जिहड़े सारे कांग्रेसी लीडर इत्थे पहुंचे ने। पंजाब कांग्रेस दे प्रधान राजा वड़िंग भी इत्थे पहुंचे हुए ने, ते तमाम लीडरशिप इत्थे हौली हौली पहुंच रही है, ते कुछ लीडर इत्थे पहुंच चुके ने। राजा वड़िंग नाल गलबात करन दी कोशिश भी करांगे। वड़िंग साहब, अज सोनिया गांधी जी तो दोबारा पुछगिछ की जा रही है, ते एक बार फिर देश भर दे विच कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। पहला सवाल यही है कि इस तरह के प्रदर्शन के नाल की केंद्र ते दबाव बन पाएगा? असी किसी ते दबाव नहीं बनाना चाहते। असी देश की ये जनता नूं दसना चाहते हैं कि किस तरीके की राजनीति जिहड़ी है वो देश भर दे विच हो गई है। और तुसी देखिया होना पिछले दिनों दरम्यान ईवन केजरीवाल साहब भी कल परसों बयान दे रहे थे कि मेरे को लगता है कि डिप्टी मुख्यमंत्री को ईडी पकड़ लेगी, सीबीआई पकड़ लेगी, उनको अंदर डालने की कोशिश की जा रही है। पंजाब दे अंदर जिथे जिथे भाजपा का शासन है उत्थे सो ये राजनीति पहला नहीं सी। कांग्रेस पार्टी ने इस देश दे उत्ते 70 साल राज कीता, कदे अपने विरोधी दलों नूं खत्म करन दी गल नहीं कीती, कदे ये नहीं कहा कि इनको जड़ से उखाड़ देंगे, भारत मुक्त कर देंगे, भाजपा भारत मुक्त कर देंगे। हालांकि दो दो बंदे इन्हां दे एमपी बनते रहे जो असी सत्ता सरकार छूंदे रहे, और क्योंकि हर व्यक्ति नूं आजादी सी बोलन दी, आपदी गल करन दी, खास करके विरोधी पार्टियां नूं ये गल करनी कि तुसी कोई भी गल करो जिहड़ी सच्ची है झूठी है। हुण दी जिहड़ी राजनीति है ये धर्म के नाम से राजनीति होगी, और जिहड़ियां पार्टियां आपदी आवाज बुलंद कर दियां हैं जां जिहड़ियां पार्टियां लोगों के मुद्दों की लड़ाई लड़ दियां, बेशक असी सत्ता सरकार च नहीं हाँ, बेशक असी असी एम पी उन्हें जिता नहीं पाए, लेकिन हाँ सानू इस गल का फकर है कि असी उस पार्टी नाल जुड़े हुए हैं जिहड़ी हमेशा धर्म जाति के नाम तो उपर उठ के गल करती है, और हर व्यक्ति की दब्बे कुचलियां की मिध्या की सैकुलर पार्टी है, कब्रिस्तान की तो शमशान घाट की गल नहीं करती। सो इस करके अज का जिहड़ा प्रदर्शन है ये देश भर के लोगों नूं ये दसन वास्ते कि किस प्रकार की राजनीति देश भर के हो रही है, किसे मगर ईडी घूम रही है, किसे मगर सीबीआई घूम रही है, और किसे मगर विजिलेंस घूम रही है, किस तरह दबाव की राजनीति। ईवन पत्रकार लोगों नूं नहीं छड्डिया, तुसी देखिया होना है कि चीफ जस्टिस दा कल परसों बयान आया सी, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की राजनीति हो रही है ए, ए, ए नहीं होनी चाहिए। सो उसे अज तहत असी अज ये प्रदर्शन दोबारा फिर अज सोनिया गांधी जी नूं सम्मन किया गया, और वार वार सम्मन करना मेरा ख्याल ये चाहते ने जलील करना, ये लोगों को दसना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पता नहीं किड्डी वड्डी गुनहगार है। हालांकि जनता जानती है, दुनिया जानती है, ईडी का उहदे विच कोई लेना देना नहीं है, किसी प्रकार की कोई ट्रांजैक्शन जिहड़ी ब्लैक मनी जां कोई इस तरह का कोई एक संस्था ने दूजी संस्था उन्होंने पैसे दिते संस्था नूं
जिहदे विच सारा पैसा ऑन रिकॉर्ड लोगों के खातिया दे विच गया है। सो जिहड़ा कोर्ट दे विच केस चल रहा है उन्हूं ईडी समन करे, बुलाया जावे और 70 वर्यां दी एक मैं समझदा कि औरत नूं जिसने इस देश दे लई त्याग कीता और खास करके पंजाबियों लई, मैं समझदा कि जब देश की प्रधानमंत्री सोनिया गांधी जी बन जा रहे सी ते उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम अगे रखिया। सो असी अज वो लड़ाई लड़ना से और देश के दे लोगों नूं दसन से कि यह सरासर झांसी और यहोजी राजनीति देश के दे लोग और पंजाब के लोग पसंद नहीं करते। साहब एक जिवें जिस तरह का तुसीं कैब गल भी की, लंबा समा तुसीं भी राजनीति दे विच हो चुके है कि बीजेपी सोच की रही है जिस तरह के नाल तुसीं कह रहे हो कि धक्के दे नाल पुछगिछ भी की जाती ने, बुलाया भी जाता, कि मंशा की लग रही है बीजेपी की इस पिछे? मंशा तो उही दस सकते ने जी, उन्होंने मंच की मंशा है, लेकिन जान बुझ के वो ऐसी दिख पैदा करनी चाहते ने कि असी इन्हों इस करके बुला रहे वारी वारी कि इन्होंने शायद कोई बहुत वड्डा गुनाह किया। हालांकि वह रोजाना स्मृति ईरानी की गल होंदी है, होर लोगों की लीडर साहबाना की गल होंदी है, वड्डे वड्डे कपलियां की गल होई, रफाल की गल होई, सो किसी ने उहदे ते उस तों बाद टिप्पा टिप्पणी नहीं की, उहदे ते जवाब भी नहीं दिता, मुनासिब नहीं समझा कि प्रधानमंत्री जी खड़े होकर किसी गल का जवाब दे दें। यह जान बुझ के लोगों को यह दिखाना चाहते कि शायद कांग्रेस पार्टी बहुत वड्डी गुनहगार है, लेकिन जनता यह जानती है कि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिहड़ी देश दे हर व्यक्ति नूं, हर जाति नूं, हर धर्म नूं नाल लैके चल सकती है। आम आदमी पार्टी की भी गल कर लीए, जिवें पंजाब दे विच बहुत सारे तुहाडे लीडर नूं भी विजिलेंस दे वल्लों पुछगिछ की गई, गिरफ्तार भी कर लिया गया, उहनूं तुसीं किवें देखदे हो? मैं तां कह रहा हां कि कल परसों केजरीवाल साहब दा वीडियो आई सी कि उप मुख्यमंत्री नूं पकड़ना चाहती है CBI, गिरफ्तार करना चाहती है। मैं कहा कि यह सिलसिला उन्होंने उत्थे चला रखे, इन्होंने इत्थे चला रखे, इत्थे भी कई लीडर साहबाना नूं फड़िया है, कई फड़न की तैयारी है, कोई किसी को सबूत नहीं है। कहिंदे डिस्कलोजर, फलां बंदे ने फलां बंदे का नाम लिया कि मैं एरे राही पैसे दिते। सो इन्होंने उत्थों बग्गा फड़ लिया, कदे वो अलका लांबा जी ते परचा देता, बई जैसे को तैसा। ये आपस में ऐसी राजनीति देश के लोगों को पसंद नहीं है। ठीक है, ये सत्ता सरकार च एक बार आ गए, चाहे वह पंजाब च आ गए, चाहे वह दिल्ली दे विच आ गए, लेकिन वो समा भी आएगा जो लोग इन्हों जड़ तो उखाड़ सुट्टे कि इस तरह की राजनीति लोगों को पसंद नहीं होएगी। पंजाब दे विच भी फिर प्रदर्शन किया जाएगा पार्टी दे खिलाफ? 100% किसी प्रकार का हुण साडे व्यक्ति नूं किसी नूं नजायज तंग कर परेशान करने की कोशिश की, तो बिल्कुल उन्हां दी लड़ाई असी सड़कां ते आके लड़ांगे।